हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, 3:30 बज गए हैं शाम के और अभी मैं सिलाई की वीडियो को शुरू कर रही हूँ। मीटू बीच में बोल रही है कि मुझसे बात ही नहीं करवाते हो आजकल। हाँ जी, आजकल मीटू की बात ही नहीं होती है। कैमरा आते ही चुप हो गई। क्या बात हो गई? हाँ जी, चीकू चीकी सो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अभी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, मतलब फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि वैसे भी 3:30 बज गए हैं शाम के और आज लेट हो जाएगा बिल्कुल ही वीडियो बनते बनते, और ये वीडियो कल आएगी। तो फटाफट से हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने कल कुर्ती बनाई थी, वो यहीं पर रख रखी है क्योंकि इसके गले में तुरपाई करनी है। पैंट भी यहीं पर रख रखी है क्योंकि प्रेस करना है पैंट को। अगर मैं एक बार अलमारी के अंदर रख देती ना इनको, तो फिर इनका आधा काम ऐसे ही रह जाता, फिर मैं भूल जाती हूँ। और आज मैंने ये कपड़ा निकाला है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। को इसका कलर प्रिंट और इसका सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे इसका कपड़ा लगा, बहुत ही सॉफ्ट है। तो हम इससे कुर्ती बनाएंगे, ग्रीन पैंट और ग्रीन दुपट्टा सोच रही हूँ मैं इसके ऊपर। देखते हैं हम कौन सा दुपट्टा लेंगे इसके साथ में। दो मैंने कपड़े के पीस ले लिए हैं, दो लाइनिंग के टुकड़े ले लिए हैं, दो मैंने राइस बैग के पीस कट करके ले लिए हैं। अब देखिए, इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे, ऊपर इसके मेन फैब्रिक रखेंगे, चारों तरफ सिलाई से अटैच करके दो सीट मैंने तैयार कर ली हैं। 9 बाय 13 इंच इनकी लंबाई चौड़ाई है, 18 इंच की लंबाई की दो तनी तैयार कर ली हैं। अब इनको चौड़ाई से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर कट लगाएंगे 2 इंच पर, मतलब मार्किंग कर रहे हैं हम इसको। आप चाहो तो फैला के मार्किंग कर सकते हो। उसके बाद देखिए, ये जो मार्किंग है इसी के ऊपर तनी को अटैच करेंगे, सेंटर से मिस सेंटर मिलाएंगे तनी का और इस कट का, और दूसरे सिरे को उठाकर दूसरी तरफ रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। दो इंच चौड़ी पट्टी को डबल फोल्ड करके मैंने रख दिया है सीधी साइड, इसके ऊपर सिलाई से अटैच कर देंगे। सीधा करेंगे, सिलाई मार्जिन को ऊपर की तरफ करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। दोनों सीट को सेम तरीके से हम तैयार कर लेंगे। दोनों सीट तैयार हो गई है। अब देखिए, इनको इस तरीके से रखेंगे, सीधी साइड को मिलाएंगे और साइड में सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। अब इसके कॉर्नर के ऊपर 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे, सिलाई मार्जिन को छोड़ना नहीं है, साथ में नापना है। और फिर देखिए, 1.5 बाय 1.5 इंच पे कॉर्नर पे मार्किंग करेंगे। दूसरी तरफ कॉर्नर को कट करके निकाल देंगे जितनी मार्किंग की है 1.5 बाय 1.5 इंच से। अब नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे, कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ेंगे फैला करके और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे कॉर्नर के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हमने 0 कॉस्ट में ये मिनी हैंडबैग बना करके तैयार किया है, बिल्कुल सरल तरीका है बनाने का। और इसके अंदर जब भी मार्केट निकलते हैं तो आप अपने पाउच जिसके अंदर पैसे होते हैं, मतलब हैंड पर्स और अपना मोबाइल वगैरह इसके अंदर डाल सकते हो। छोटा सा है, बहुत ही प्यारा है, बीच में वेलक्रो लगा दिया है मैंने। ये देखिए कितना प्यारा लुक आया है इसका। छोटे छोटे साइड में मैंने बटन लगा दिया है और अच्छे लुक देने के लिए। देखिए, इसके अंदर मैं अपने ईयरबड हैं, मोबाइल चार्जर है वगैरह वगैरह, जो भी हमको ज़रूरत है वो सब डाल लिया है। सेकेंड आइडिया के लिए एक सीट और मैंने तैयार कर रखी है। 13 इंच इसकी चौड़ाई है, 25 इंच इसकी लंबाई है और इसके बीच में हमने राइस बैग लगा रखा है, नीचे हमने लाइनिंग लगा रखी है। अब इसको लंबाई से डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसको यहाँ पर देखिए 3 इंच पे कट लगा लेंगे। यहाँ पर ओपन साइड से 3 इंच नापा है मैंने, दूसरी साइड भी सेम तरीके से ही ओपन साइड से 3 इंच पे कट लगाएंगे। दो मैंने तनी तैयार कर रखी है, यहाँ पर 18 इंच लंबाई है, चौड़ाई 1 इंच की है
अब यहाँ पर तनी को रखेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाएंगे तनी का और जो हमने कट लगाया है उसका। दूसरा सिरा देखिए यहाँ पर रखेंगे और अटैच कर देंगे। अब सेम तरीके से हमें दूसरी तनी दूसरी साइड अटैच कर देनी है। तनी अटैच करने से पहले देखिए 1.5 इंच पे इस तरीके से हम ऊपर से कट लगा करके कपड़ा ऊपर से कट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर चैन रखेंगे, चैन को अटैच करेंगे, टॉप स्टिच करेंगे। अब जो हमने 1.5 इंच का कपड़ा कट करके निकाला है ऊपर से उसको यहाँ पर रखेंगे, अटैच करेंगे, फिर इसको फैलाएंगे, इसको भी टॉप स्टिच कर देंगे। अब इसके अंदर हम रनर डाल लेंगे, दोनों तरफ से तार निकालेंगे, इसका तार को सीधा करेंगे पकड़ के। अब इसके अंदर देखिए रनर डालेंगे, पीछे से तार पकड़ेंगे और आगे की तरफ इसको पुश करेंगे तो ये इजीली जो है इन रनर इसके अंदर डल जाएगा। अभी हम तनी को दूसरी तरफ जो है तनी को अटैच कर देंगे। अभी इसका सेंटर निकालेंगे लंबाई में, फैला करके सीधी साइड ऊपर करेंगे। दो पीस मैंने और रेडी कर रखे हैं सेम तरीके से ही लाइनिंग और राइस बैग के साथ में। लंबाई है 7.5 बाई 5 इंच है, 7 इंच की लंबाई और 5 इंच की चौड़ाई। लंबाई में हम इसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, यहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे। दूसरी साइड देखिए इसको दूसरे पीस को रखेंगे, यहाँ पर अटैच कर देंगे। दोनों पीस रेडी हो गए हैं इसके। अभी देखिए कॉर्नर को गोलाई देनी है, तो ये गोलाई मैंने 1.25 इंच के लगभग मतलब 8 पॉइंट दी है मैंने, 1 इंच से थोड़ी सी कम है। अब इसको इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर और जहाँ तक ये पीस आया है वहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। दूसरे पीस को दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे और जहाँ तक ये पीस आ रहा है वहाँ तक मार्किंग कर लेंगे। अब इसको मेज़र कर लेंगे, जहाँ मार्किंग की है वहाँ से मेज़रमेंट ले रही हूँ मैं इसका, और जितना मेज़रमेंट आएगा देखिए दूसरी तरफ जो हमने कट लगा रखा है मार्किंग कर रखी है वहाँ तक ये आ रहा है 19.5 इंच, तो हमको 20.5 इंच की लंबाई का एक पीस लेना है और इसकी चौड़ाई 5 इंच की होनी चाहिए। जितना मेज़रमेंट आया है उससे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर में से देखिए इस तरीके से इसको कट करेंगे लंबाई में। अब इसके ऊपर चैन रखेंगे, चैन को अटैच करेंगे सिलाई से, टॉप स्टिच करेंगे, सिलाई मार्जिन को नीचे की तरफ करके फिर मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। अब दूसरे पीस के ऊपर अटैच कर देंगे इसको, टॉप स्टिच कर देंगे, रनर डाल देंगे इसके अंदर जैसे हमने पहले डाला था सेम तरीके से। हम मेन पार्ट को उठाएंगे, इसके ऊपर इसको यहाँ पर रखेंगे, सिलाई से अटैच करेंगे। और दूसरी तरफ भी देखिए इसको अटैच कर लेंगे। अब इसको फैलाएंगे, सिलाई मार्जिन को नीचे की तरफ करेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इसको यहाँ से कॉर्नर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इस तरीके से देखिए इस पट्टी को अटैच कर देंगे हम। तो फ्रेंड्स ये जो मैं बैग बना रही हूँ ये अगर आप ऑफिशियल वर्कर हैं तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। आप इसके अंदर टिफ़िन बोतल डाल सकते हो,
नहीं तो खाना ठंडा होगा, नहीं लिक्विड बाहर आएगा। और वैसे भी आप इसको यूज कर सकते हो हैंड बैग की तरह। इसको देखिए, हमने जीरो कॉस्ट में बनाया है, इसके अंदर कोई हमने फोम सीट का या कुछ भी ऐसा खर्चा हमने अलग से नहीं किया है। आप किसी भी कपड़े से बना सकते हो, आप कोई पुरानी कुर्ती ले सकते हो, अगर आपके पास कोई पैंट का कपड़ा पड़ा है तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो, और अगर आप इसके अंदर फोम सीट डालना चाहते हो तो फोम सीट भी डाल सकते हो। अब देखिए, ये काम मेरे को पहले करना था लेकिन अभी कर रही हूँ मैं। यहाँ पर देखिए कपड़ा रखेंगे, क्योंकि ये जो पॉकेट के लिए हमने चैन लगाई थी, तो अंदर कपड़ा लाइनिंग का लगाएंगे तभी ये पॉकेट बनेगी। तो देखिए चौड़ाई तो बराबर है इसके, और लंबाई में जो है हमें जितनी लंबी आपको पॉकेट चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर कपड़ा रख सकते हो। तो मैंने 8 इंच की लंबाई रखी है इस पॉकेट की, आप 8 इंच काफ़ी हो जाती है पॉकेट की गहराई। और फिर नीचे से देखिए आधा इंच अंदर फोल्ड करते हुए मैंने इसको सील दिया है, ये पॉकेट रेडी हो जाती है। अब देखिए इसको साइड में कपड़ा एक्स्ट्रा उसको कट कर दूंगी। अब देखिए साइड में दूसरी तरफ से इसको सिलेंगे। जैसे पहले सिला था वैसे सिलेंगे, और आधा इंच सिलाई में मैं दबा रही हूँ। अंदर आप पाइपिंग से फिनिशिंग भी कर सकते हो अंदर की तरफ, ताकि फिनिशिंग आएगी तो अच्छा रहेगा, अंदर की तरफ धागे नहीं निकलेंगे। और उसके बाद चेन से ओपन कर लेंगे इसको, कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकालेंगे। तो देखिए राइस बैग को आप हाँ जो है कई बार ऐसे वेस्ट समझकर फेंक देते हो, लेकिन आप देख सकते हो कितना सुंदर हैंड बैग बना है। और आजकल क्लॉथ बैग जो है ज़्यादा चल रहे हैं, तो इनका ट्रेंड है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है काफ़ी, और फिनिशिंग आप देख सकते हो कितनी अच्छी आई है। तो फ्रेंड्स आप बताना ज़रूर, राइस बैग का आज जो यूज करके मैंने बताया है, ये आइडिया आपको कैसा लगा है। मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा है। तो मैंने दो तरीके से बता दिया, आप कोई भी इन जो है आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हो, छोटा या बड़ा। तो फ्रेंड्स अभी मेरे को जो है मेरी पैंट की सिलाई करनी है। तो हमने तीनों पैंट सिल दी है, ये वाली क्रीम कलर की भी सिल दी है, ये गोल्डन कलर की सिल दी है, और ये डार्क मेहरून कलर की, तीनों सिल दी हैं। और एक हमने कल सिल दी थी ब्लैक कलर की। इस कुर्ती की भी फिटिंग कर दी है अच्छे से, तो इतना काम हो गया है। और टाइम अभी आप देख सकते हो 6 बजने में, अभी 10 मिनट बाकी हैं। तो अभी मैं फटाफट से सारा यहाँ से क्लीन कर देती हूँ, फिर इनको प्रेस करना है। तो फ्रेंड्स आज फिर से बारिश आ रही थी, तो कपड़े देखिए मुझे ऐसे डालने पड़े अंदर, कपड़े सूख गए हैं। अभी ड्यूटी है कि सारे कपड़े जमाने भी हैं, सभी को समेटना भी है, तो मैं अभी समेट रही हूँ कपड़े। तो फ्रेंड्स अभी मुझे प्रेस करनी है इन पैंट को, और फिर मुझे खाना बनाना है। तो वीडियो के यहीं पर एंडिंग करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना आज का ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा है। मैं उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।